तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज बड़ी बैड न्यूज़ है दोस्तों हमारे लिए। आप देख सकते हो आज हमारा मिट्टू नहीं रहा दोस्तों। और क्या हुआ इसको, कल दोस्तों जाली में रखा था मैंने इसको, और शाम में दोस्तों इसका पैर, आप देख सकते हो इसको पैर नहीं है दोस्तों, इसका शाम में पैर एक बिल्ली ने खाई दोस्तों। और ब्लड ये देखो, ये पैर लास्ट है दोस्तों यहाँ का, यहाँ से ही पैर उसका खाई। और दोस्तों ज़्यादा खून निकलने की वजह से हमारा पैरेट दोस्तों आज नहीं रहा, और आज बहुत उदास हूँ दोस्तों मैं, और बच्चे भी उदास है। आप देखो सारा का भी चेहरे पर आप देख सकते हो, सारा भी आज बहुत परेशान है। और जो दोस्तों हमारे चार पैरेट थे उसमें का आज दोस्तों एक पैरेट मर चुका है दोस्तों। और आज पैरेट को दोस्तों 1.5-2 साल हो चुके हैं। हमने पैरेट को बहुत अच्छे से दोस्तों संभाला है, आपने हर वीडियो हमारा देखा है। और आज दोस्तों बहुत मुश्किल घड़ी है और दिल भी उदास है दोस्तों। आज सुबह सुबह देखा तो उसका दोस्तों पैर टूटा हुआ था, और एक आधे घंटे में दोस्तों ब्लड पूरा निकलने की वजह से मर गया दोस्तों। और अभी दोस्तों मैं इसको अभी खड्डे में दफनाने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो बहुत मतलब बुरी तरीके से दोस्तों उसकी जान चली गई, और बहुत तकलीफ़ हुई उसको, क्योंकि पैर टूटने की वजह से उसका खून ज़्यादा चले गया दोस्तों। मैंने यहाँ पे उसको हल्दी भी लगाई थी लेकिन ब्लड उसका रुका नहीं दोस्तों, क्योंकि ज़ख्म ज़्यादा थी और दोस्तों उसकी जान चली गई। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा मैं, इसको दफनाना है मुझे, और मूड दोस्तों बहुत ख़राब है मेरा आज, तो चलो अब इसको दफनाएंगे। तो दोस्तों इसको इधर ही दफनाऊंगा मैं, घर के बाजू में ही मेरे। और दोस्तों तीन पैरेट जो मेरे अभी है फिलहाल, वो दोस्तों बहुत अकेले हो चुके हैं अभी इसके बगैर, क्योंकि बचपन से साथ रहे हैं वो। आपको मैं दिखाऊंगा, आ जाओ। ये साइड में दोस्तों आप देखो, अभी यहाँ पे दोस्तों मेरे तीन पैरेट हैं अंदर, और वो दोस्तों अभी इसको बहुत मिस कर रहे हैं। आप देख सकते हो, देख रहे हैं इसको अभी, और डरे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि बिल्ली के अटैक की वजह से बहुत उनकी बुरी हालत हो चुकी है। और ये भी बंदा चला गया है, तो दोस्तों मैं उसको यहीं पे मेरे घर के बाजू में ही दफनाने वाला हूँ आज, और बच्चे भी दोस्तों साथ हैं। आप देखो बच्चे, सारा तो दोस्तों बहुत आज उदास है। सारा जब से बोल रही थी कि मिट्टू को क्या हो गया, मिट्टू मर गया, खड्डा किया है मैंने अभी, और मैं खड्डे में अब दोस्तों उसको दफनाने वाला हूँ। चावड़ा कर तू थोड़ा। तो दोस्तों मिट्टू आज नहीं रहा दोस्तों साथ मेरे, और अभी मैं उसको दफनाने वाला हूँ दोस्तों। मिस यू मिट्टू, मिस यू, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं उसको आज। चलो दोस्तों अभी उसको दफनाने वाला हूँ। ऊपर मुकर दोस्तों, मिट्टू को अभी मैं दफना रहा हूँ, और मिट्टू दोस्तों नहीं रहा, मिस यू है, मिस यू दोस्तों। बहुत अच्छे से रहा मिट्टू मेरे साथ, उसके दोस्तों बदन पे एक पर भी नहीं था दोस्तों, तब से मैं
उसको पाला है दोस्तों, और आज इतना बड़ा 2 साल पालने के बाद दोस्तों वो छोड़ के चला गया। दोस्तों बहुत अफसोस की बात है, आपके भी पास दोस्तों ऐसे कोई पाली हुई घर पे रहेगा, कोई पंछी रहेगा, कोई जानवर रहेगा, अगर वो आपको अगर छोड़ के चला गया हो तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। अगर किसी का अगर दोस्त ऐसे चला गया हो तो आपको उसकी तकलीफ पता हो सकती है। अगर जिसको आपने सालों से पाला है और सालों से पाल के अगर वो आपको छोड़ के अगर चला गया तो दोस्तों बहुत दुख होता है, जैसे वो अपना फैमिली मेम्बर बन गया था वैसे ही दोस्तों ये भी हमारा फैमिली मेम्बर ही था दोस्तों, और आज हमारे बीच नहीं रहा दोस्तों। अभी दोस्तों हमारे पास कोई फूल नहीं है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे एक नीम का पेड़ लगा रहा हूँ। रबीश करना कुछ तो एक पत्ता वो रखने वाला हूँ अभी, क्योंकि कुत्ते वो आके इसको ना खो दे बाद में, कुत्ते आके बाद में इसको निकाल सकते हैं। तो पत्थर मुझे भी कहाँ मिलेगा, पत्थर मिला दो बाद में उसे खुल निकल, बाद में आकर चम्मू खल खाई भी नहीं, उसके फल भी खाए काट के तो कुछ मुझे करा बाद में ऊपर चला तो नीचे से अच्छे पड़े नीचे ऊपर से आकर खुल निकल पंखा काट गए पापा ऊपर चढ़ देता। तो दोस्तों ये पत्थर लेके आया मैं भी तो उसका भी फाइनली पत्थर रख दिया और मिट्टू को यहाँ पे मैंने दफन कर दिया। तो दोस्तों अगर आपके भी पास ऐसी कोई चीज होगी तो दोस्तों उसको संभाल कर रखिए और ढक कर रखिए शाम के वक्त, क्योंकि बिल्ली वहाँ पे ना जा सके, और अगर बिल्ली वहाँ पे चली गई दोस्तों तो आपकी चीज़ आपके साथ नहीं रह सकती। आपका कोई भी पंछी, आपकी कोई भी आपने पाली हुई चीज़ आपके पास अच्छे से नहीं रहेगी दोस्तों, कोई भी पैरट हो बर्ड्स हो तो उसको संभाल के रखिए शाम के वक्त और अच्छे से उसका ख्याल रखिए। इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरी थोड़ी लापरवाही की वजह से दोस्तों वो मेरे साथ नहीं रहा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में हमारे 3 पैरट के साथ। ऐसे आपका सपोर्ट रहे, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए।